कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल ए आर हनुमान तिवारी पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार वर्ड प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है अ ग्रीन कलर हाइड्रेटेड मेटेलिक साल्ट। क्या बोल रहा है? अ ग्रीन कलर हाइड्रेटेड मेटेलिक साल्ट मतलब वाटर है उसके अंदर। ऑन हीटिंग लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन एंड गिव्स सफोकेटिंग स्मेल। आइडेंटिफाई साल्ट एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो बच्चों एक चीज आपको बताऊं, अगर क्लास 10th में आप हैं और बोल रहा कि ग्रीन कलर हाइड्रेटेड मेटेलिक साल्ट, जैसे ही ग्रीन कलर हाइड्रेटेड मेटेलिक साल्ट बोले दिमाग में बैठा लो आयरन सल्फेट होगा। क्या होगा? आयरन सल्फेट होगा। हाइड्रेटेड बोल रहा है तो आपको इसका वाटर मॉलिक्यूल याद होना चाहिए और इसका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? 7H2O होता है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया? FeSO4.7H2O। दिमाग में बैठा लो भैया। अब क्या करना है, इसको हमें हीट कर देना है। FeSO4.7H2O को जैसे ही आप हीट करोगे, ये जो वाटर वाला मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? FeSO4+7H2O। याद रखेंगे जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल था तो इसका कलर कैसा था? ग्रीन कलर का था। कैसा कलर था ये? ग्रीन कलर। जैसे ही इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल उड़ेगा ये कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। याद रखेंगे कैसा हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। ग्रीन कलर से कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। ठीक, अब मिला आपको FeSO4, इसको आप फर्दर हीट करते हो। जैसे इक्वेशन में यहाँ पे हम लिख रहे हैं अलग से, हीट करते वक्त क्या हुआ? जैसे पानी उड़ा ये हीट होने लगा। ये नहीं कि ये खत्म हो गया भैया हमें फिर से लो, हमें फिर से गर्म करो, ऐसा थोड़ी बोलेगा इक्वेशन। जैसा आप केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखते हो ऐसा एक्चुअल में इक्वेशन नहीं होती। हमने ये सेकंड स्टेप भले लिख दिया, ये एक ही स्टेप रिएक्शन है। आपने गर्म किया, पानी उड़ गया, पानी उड़ने के बाद रिएक्शन रुक थोड़ी जाएगी, रिएक्शन होता रहेगा। मतलब ये सेकंड वाला होता रहा। अब क्या हीट होगा? FeSO4 हीट होगा। क्या हीट होगा? FeSO4। जैसे ये हीट होगा आपको क्या देगा? Fe2O3। क्या देगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे जो SO2 और SO3 गैस है यही सफोकेटिंग गैस है। याद रखना होगा आपको ये कौन सी गैस है? सफोकेटिंग गैस। जब भी अगर सफोकेटिंग गैस आती है और किससे? FeSO4.7H2O से, तो वो क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई साल्ट पूछा था तो वो क्या हो गया था? FeSO4.7H2O। एंड राइट इट इक्वेशन लिखना था तो ये भी इक्वेशन आप लिखोगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हुआ? उड़ा है। उसके बाद जब FeSO4 मिला तो इसको आपने जब हीट किया तो ये क्या दे दिया? फेरिक ऑक्साइड दे दिया, Fe2O3। साथ में क्या मिला आपको? SO2 और SO3। Fe2O3 जो मिलेगा ये ब्राउन कलर का होगा। कलर आपको याद होना चाहिए। कैसा होगा कलर? ब्राउन होगा। आई होप क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताइए और ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।